हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिंकी फुल मस्ती ब्लॉग में। और मैं गई थी कैंटीन, आइए आपको प्राइस दिखाती हूँ। मैं आज मैं कैंटीन गई थी और कुछ सामान लेके आई। और मैं आपको बताऊं तो कैंटीन के हिसाब से और सिविल में बहुत अंतर है। जैसे ये मेरा लैक्मे का मैं पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर लाई थी और इसका जो रेट है वो 125 है और जबकि मुझे 60 में पड़ा है। मतलब बहुत डिफरेंस है सच में। और ये तो मैं पहली बार लेके आई VLCC का रोज़ वाटर, तो इसका तो रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 190 का है ये और ये मुझे सिर्फ 90 रुपये का पड़ा है, सिर्फ 90 रुपये का, मतलब आधे से भी कम का। बहुत सस्ता पड़ा है सच में। और फिर मैं लेके आई थी एक टावल जो शायद कुछ ऐसे 400 रुपये की है, 400 रुपये, 472 रुपये की है ये। और ये मुझे पड़ी थी 192 रुपये की। ये भी बहुत सस्ती पड़ गई थी ये मुझे। और मैं चाय पत्ती का पैकेट भी एक लेके आई थी, ये भी बहुत सस्ता ही पड़ गया। और एक बॉर्नविटा का पैकेट लेके आई थी जो 230 रुपये का है, और लेकिन ये मुझे पड़ा था जाके ये कुछ 126 रुपये का, 230 वाला 126 रुपये का पड़ा था मुझे। बहुत सस्ता पड़ जाता है कैंटीन में और सिविल में तो बहुत अंतर है। और ये शांति आंवला ये मुझे पड़ा है, ये 105 रुपये का है और मुझे ये पड़ा था ये 53 रुपये का, ये 53 का पड़ा। ये भी बहुत सस्ता पड़ गया। मतलब समथिंग जो भी है सब कुछ बहुत सस्ते पड़े। पियर्स तो आपको पता ही है, ये 54 रुपये का है और जबकि ये मुझे पड़ा है उसमें 25 रुपये का। बहुत सस्ता पड़ता है। और सिविल से खरीदो जब कैंटीन में मुझे मिल जाता है तो मैं ज़्यादातर वहीं से ले आती, और कैंटीन आज तो खाली थी तो जो मिला मैं वहीं ले आई हूँ। और फिर देखती हूँ एक दो दिन में आने वाली है, मैंने वहाँ पूछा भी था तो बता रही थी कि हाँ एक दो दिन में मैडम आ जाएगी तब आप ले जाना, फिर लेके आऊँगी तो आपको भी दिखाऊंगी। ठीक है, आपको कैंटीन की ग्रोसरी का हर किसी का रेट जानना है कि कौन कितने प्राइस में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं कोशिश करूँगी हर एक चीज़ का प्राइस बता के, और सिविल का और कैंटीन के हिसाब से उसका प्राइस और उसके प्राइस में कितना डिफरेंस है ज़रूर मैं बताऊंगी। और एक एक दो दिन में शायद कैंटीन आ जाएगी तो मैं फिर दोबारा सामान अगर लेके आई तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और कुछ सामान इसमें मेरे पापा का भी होता है क्योंकि वो भी कैंटीन से अपना सामान लेते हैं, जब मैं जाती हूँ तो उनका मैं ले आती हूँ और जब वो जाते हैं तो वो मेरा ले आते हैं, तो फिर हम दोनों का ऐसे ही चल जाता है। और आपको अगर रेट जानना हो तो मुझे ज़रूर बताइए तो मैं आपको रेट ज़रूर बताऊंगी। और फिर शाम को मैंने बनाए अप्पे, ये थोड़ा रवा लिया है उसमें नमक डाल लिया मैंने, और फिर थोड़ा सा दही लेंगे। दही अगर खट्टा हो तो उसको कम लेना है और अगर खट्टा ना हो तो अपने हिसाब से थोड़ा डाल लेना। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और अच्छे से इसको मिला देंगे। अप्पे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप भी कभी ट्राई करिए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी, फिर कुछ सब्जियाँ काटूँगी मैं, और जिसमें मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, गाजर ली है, आलू लिया और शिमला मिर्ची, थोड़ी थोड़ी सब्जी ली है। और चटनी के लिए मैंने थोड़ी मूँगफली कढ़ाई में डाली, जिसको रोस्ट कर लेंगे, हल्का भून लेंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं भूनना है कि ये अगर जल जाएगी तो फिर चटनी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखो मेरी मूँगफली भुन गई है, और मैंने थोड़ा सा मूँगफली और 2 कली लहसुन की मिर्ची, धनिया, और ग्राइंडर में डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और दही डाल के, पानी डाल के इसको पीस लेंगे। और फिर ये देखिए मेरी चटनी रेडी हो गई थी। और इसमें मैंने फिर तड़का लगाया, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सी राई डालेंगे और कड़ी पत्ता, और इसमें ये देखो मैंने राई डाल दी है, और थोड़ा सा लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता डाल के और हींग डाल के इसका तड़का लगा देंगे।
आराम से लगाना, नहीं तो इससे थोड़ा सा ना आग निकलती है जब डालो इसको। और फिर मैंने कढ़ाई में दोबारा से ऑयल डाला और इसमें राई डाली, कड़ी पत्ती डाल दी और थोड़ा सा इसमें प्याज डाल के इसको हल्का सा सॉटी कर लेंगे। और फिर इसमें सब्जियां डाल देंगे। सब्जी मैंने काफ़ी देर पहले काट दी, तो आलू ये ब्लैक ब्लैक हो गया था। और इसमें थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, और नमक उतना ही डालना है क्योंकि हम पहले भी उसमें डाल चुके हैं रवा में, इसलिए उसी हिसाब से टेस्ट डालना है इसमें। और फिर मैं इसको लेके उसमें पलट दूंगी। और ये थोड़ा थिक हो गया था तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी मिला दिया था, तो अगर आपका थिक हो जाए तो इसमें पानी मिला देना है। इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने को रखना है क्योंकि ये रवा फूलेगा नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। इसको मिला दूंगी मैं, और बस थोड़ा सा सोडा डालूंगी और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख दूंगी। सोडा मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के और इसको 5 मिनट को रख दूंगी। फिर मैं अब पेस्ट स्टैंड लूँगी, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालूंगी और फिर चम्मच से उठा उठा के उसमें ये मिक्सर डाल देंगे। और फिर इसको ढक देंगे इसमें रख के, फिर इसको पलट देंगे 5-6 मिनट बाद। आप चेक कर लेना, जब ना पक जाए तभी उसको पलटें। इसको पलट के और फिर से इसको 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। जब तक ये पके नहीं तब तक नहीं निकालना है, इसको चेक कर लेना। फिर गर्मा गर्म इसको हम एक प्लेट में परोसेंगे और चटनी के साथ इसको टेस्ट करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें।